नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वेदांता के निवेशकों के लिए बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ वीकेंड के दौरान शेयर किया था कि वेदांता की बोर्ड मीटिंग है 21 सितंबर 2023, यानी कि आज के सेशन बोर्ड मीटिंग का आउटकम आ चुका है। और किसको लेकर बोर्ड मीटिंग थी पहले ये बता देता हूं, NCD नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता है तो पहले वो समझ लीजिए ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। देखिए, शेयर मार्केट में जितनी ज्यादा जानकारी आपको मिल जाए उतनी ज्यादा जानकारी आप ग्रैब करते चलिए। शेयर का प्राइस, शेयर क्या खरीदूं क्या बेचूं, ये लाइफ टाइम चला रहेगा। और ट्रस्ट मी, आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया किसी की राय लेकर। मैं आपको कितनी भी बार कहता हूं कि मेरा ये टारगेट डन हो गया, मेरा वो टारगेट डन हो गया, हमने आपके साथ ये शेयर किया, मुझे पता है यार बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं, वहीं पे लॉस बहुत लोग कर लेते हैं, कभी किसी की सुनकर कभी किसी की, क्योंकि एक्चुअली में सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, सबकी प्रोफाइल अलग होती है। और ये सबसे बड़ा इशू है। अभी मैं आप सभी के साथ बात करता हूं डायरेक्टली NCD क्या होता है। इस पे NCD यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखिए, इक्विटी मार्केट में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है ये फंड रेज कर सकती है कभी भी कैसे भी। इनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प NCD होता है। NCD में एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक ऐसा टोकन होता है जिस टोकन पे आप लोग पैसे डाल देते हो और फिर कंपनी आपको उस पे ब्याज देती है एक फिक्स अमाउंट का। दो तरीके की NCD होती हैं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड NCD वो होती हैं जहां पे आपका पैसा सिक्योर है, वो किसी ना किसी एसेट को एक मुद्दे नजर रखती हुई आपसे पैसा ले रही है। अनसिक्योर्ड यानी कंपनी अपने नाम के ऊपर पैसा ले रही है, एक तरीके से यार हमारी ब्रांड वैल्यू, हमें पैसा दे दो, हम आपका पैसा नहीं मारेंगे। ठीक है, सिंपल। अब मान के चलो मैंने एक टोकन लिया, टोकन होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा मैं NCD ला रहा हूं, उस NCD को हम एक टोकन बना लेते हैं और आप इसमें पैसा डालिए, मैं आपको 8% का इंटरेस्ट दूंगा। आपने मुझे पैसा दे दिया, मैं साल का 8% आपको दे रहा हूं, वो NCD आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब आपका दिल कर रहा है यार मैं तो बेच दे रहा हूं, मेरे को पैसे की जरूरत है, आप उसे मार्केट में बेच भी सकते हो, ये भी होता है। ठीक है, ट्रेडेबल भी होती है ये। अब यहां पे बात करें अगर वेदांता की, तो वेदांता ने क्या करा है, देखिए एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी निवेशकों से कर्ज ले रही है और उस कर्ज पे इंटरेस्ट पे कर रही है। बैंक से लेने जाएगी, बैंक प्रोफाइल चेक करेगी तो वेदांता का इस समय रिफाइनेंसिंग रिस्क है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसे थोड़ा सा डाउन कर रखा है, तो इन्हें 12-13% का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए, और मिले भी ना मिले तो वो अलग बात है। ठीक है, तो NCD यहां पे लॉन्च करके कंपनी एक छोटे इंटरेस्ट पे आप लोगों से पैसा ले लेती है। ये हो गया NCD का खेल। अब आ जाते हैं वेदांता की अपडेट पे। वेदांता के बोर्ड ने आज अनाउंस करा है 2500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग। 2500 करोड़ रुपीज कंपनी जुटाने वाली है NCD के द्वारा, और ये NCD प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे होगी। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस क्या है भाई, हमारे लिए है या नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, प्राइवेट ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह रहा है। एक होती है पब्लिक प्लेसमेंट, एक होती है प्राइवेट। पब्लिक यानी कि पब्लिक, आपकी हमारी जिसका दिल करे लगाए पैसा, पब्लिक सबके लिए है। प्राइवेट यानी कि गुप्त, ठीक है जी। तो कंपनी जिसे चाहती है, जिनका पहले से नाम सिलेक्ट कर लिया, उन लोगों को ये NCD दे देगी और उनसे पैसा ले लेगी। समझ गए बात को, ये पब्लिक प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि आप और हम इस NCD में पैसा नहीं लगा सकते हैं। ये मेरी आपके मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट। वेदांता की कंपनी ने जो आज बोर्ड मीटिंग करी है उसके ऊपर जो आउटकम आया उसके ऊपर वीडियो। होप आपको NCD क्या होती है, वेदांता ने 2500। अब ये एक और इंपॉर्टेंट, करेगी क्या कंपनी, तो आपको पता होनी चाहिए इनकी पेरेंट कंपनी जो वेदांता रिसोर्सेज है उस पर अच्छा खासा कर्ज है, सारी मेच्योरिटी सामने आ रही है। रिसेंटली वेदांता जो गिरा है वो भी इसीलिए गिरा है क्योंकि इनके प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी 4130 करोड़ की, और वो बिकवाली का पैसा भी डेट चुकाने में गया, ये NCD का पैसा भी डेट चुकाने में ही जाएगा। तो यहाँ पे ये डेट की प्रॉब्लम अभी चली हुई है इसलिए शेयर टूट रहा है। बाकी वेदांता एक ऐसी कंपनी है जो शुरू से कर्ज लेता रहा है, कर्ज वापस करता रहा है, इधर से लिया उधर से लिया, ये चलता रहता है वेदांता के लिए। और वेदांता बहुत बड़ा प्लेयर है, तो आपको ज्यादा डरने की, घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो डिटेल्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी अभी भी आपकी कोई क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।